नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। भिंड में पावर में कंपनी एवं उसके गुंडों का बोलबाला, किसानों का आरोप, जबरन खनिज अधिकारी की मिलीभगत से खेतों में कर रहे हैं अवैध रेत उत्खनन। दरअसल मामला भिंड जिले के ककहारा पंचायत का, जहां लगभग आधा दर्जन ग्रामीणों ने बताया है कि भिंड में संचालित पावर में कंपनी उनके द्वारा जबरन किसानों के खेतों में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने खनिज अधिकारी आरपी बतकारिया पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है, जबकि पावर में कंपनी के पास 322 सर्वे नंबर है, जिस पर रेत ना निकालते हुए नदी एवं अन्य शासकीय नंबर और किसानों के नंबर से बंदूक की नोक पर रेत निकाला जा रहा है, जिसकी ग्रामीणों ने थाना स्तर से लेकर एसपी एवं कलेक्टर तक शिकायत की, लेकिन रात में बंदूक की दम पर पावर में कंपनी एवं उनके द्वारा अवैध रेत उत्खनन जारी है। जबकि इस संबंध में रौन थाने में कहते हैं कि मामला नयागांव थाने का है, तो वहीं नयागांव थाना प्रभारी कहते हैं कि मामला रौन थाना क्षेत्र का है। फिलहाल इस संबंध में भिंड एसडीएम उदय सिंह सिकरवार से बात की तो उन्होंने बताया कि मौके पर संयुक्त आरआई पटवारी की कार्रवाई में सर्वे नंबर 322 को, जो नंबर पावर मेक के लिए जारी किया गया है, उस पर रेत ना निकाला गया। रेत को लेकर शिकायत पावर मेक कंपनी है की, जो उसका ठेका है 22 नंबर में, और जबकि हमारे जो खेत हैंगे, हमारे जो नंबर हैंगे माड़े मुझे के, उसमें है ना वो लोग उत्खनन कर रहे हैंगे और उनको रोकने जाते हैंगे तो उनके गुंडे लोग वगैरह उनके साथ में रहते हैं 10-15 करीबन, वो लोग है ना कि फायरिंग करते हैं और या फिर हमको मारने की कोशिश करते हैं, भगाते हैं हमको, ये दिक्कत है सब। इसकी शिकायत कलेक्टर, एसपी और खनिज विभाग और अपना नयागांव थाना, रोन थाना, हर जगह शिकायत कर चुके हैं हम लोग। कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। दो पॉपलाइन मशीन डाल रखी हैं और सबसे बड़ी बात जी, हम लोग वहाँ जाते हैंगे तो हम लोग को यानी कि वो गुंडे लोग परेशान करते हैं। गुंडे कहाँ के हैं रहने वाले? ये केदार हैंगे एक तो, और एक बुद्ध सिंह और वकील कोई पप्पू करके हैंगे पड़ोरा के, और राजपाल राजकुमार हैंगे, ये लोग हैंगे। और इनके साथ में है ना कि काफ़ी लोगों ने केदार और काफ़ी लोगों ने गुंडे बदमाश इनके साथ में रहते, बंदूकधारी जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह राजावत। देखिए, इसमें एक संयुक्त दल के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया था, पटवारी आरआई से उसका सीमांकन कराया गया। जिस सर्वे नंबर पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर ठेका है, वहाँ पर खुदाई नहीं पाई गई है। संयुक्त दल के द्वारा अपना प्रतिवेदन माइनिंग विभाग को दे दिया गया है, आगे की कार्रवाई माइनिंग विभाग के द्वारा की जा रही है। 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए 3 पुलिसकर्मियों का शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विदाई समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर ने सेवानिवृत्त हुए कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक मोहन लाल अर्जरिया, कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक चंद्ररूप कुसमाकर एवं आरक्षक राजकुमार सिंह चौहान का माला पहनाकर एवं सॉल श्रीफल व सील प्रदान कर सम्मान किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। इस दौरान रक्षित निरीक्षक रविकांत शर्मा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। कर्मचारी आज 31 तारीख को सेवा नियुक्त हुए थे, जिनको आज ऑफिस में दोपहर विदाई समारोह किया गया था, जिसमें कार्यभार एएसआई मोहनलाल अर्जरिया, कार्यभार एएसआई चंद्ररूप, आरक्षक राजकुमार सिंह चौहान, इनको श्रीफल सॉल एक प्रमाण पत्र के साथ विदा किया गया। उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ इस पुलिस भार से विदा किया गया। कर्मचारी आज 31 तारीख को सेवानिवृत्त हुए थे, जिनको आज ऑफिस में जो है विदाई समारोह किया गया है। इसमें कार्यवाहक एएसआई मोहनलाल अर्जरिया, कार्यवाहक एएसआई चंद्ररूप कुसमाकर और आरक्षक राजकुमार सिंह चौहान, जिनको श्रीफल सॉल और एक प्रमाण पत्र के साथ यहाँ से विदा किया है, और उनके जो भविष्य के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा जीवन होती है, उनके लिए शुभकामनाओं के साथ उनको आज इस पुलिस विभाग से विदा किया। जैन भगवान की प्रतिमा में श्री वत्स का चिन्ह होता है, जो वात्सल्य और करुणा का प्रतीक है। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में विराजमान आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी ने प्रवचन में बताया कि तीर्थकार भगवंतों के उपदेश का सार केवल प्राणियों को कल्याण के मार्ग पर लाना है।
जैन भगवान की प्रतिमा की श्रीवत्स का चिन्ह होता है जो वात्सल्य और करुणा का प्रतीत है। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में विराजमान आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी ने प्रवचन में बताया कि तीर्थकार भगवंतों के उपदेश का सार केवल प्राणियों को कल्याण के मार्ग पर लाना होता है, जिससे वे संसार सागर से छूटकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकें। सिद्धों के 8 मूल गुण स्वभाव रूप हैं, जबकि आचार्य के 36, उपाध्यक्ष के 25 और साधु के 24 मूल गुण आचार्य रूप हैं। साथ ही हरिहंतों के 46 में से 42 मूल गुण आचार्य रूप और शेष 4 मूल गुण स्वभाव रूप हैं। मध्य प्रदेश राज्य अतिथि मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 विहसन सागर महाराज जी के निर्देशन में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आचार्य श्री को शस्त्र भेंट और पूजा करने का सौभाग्य महेश जैन रपरिया लालपुरा नरेश जैन पंसारी टोल के परिवार को प्राप्त हुआ। शाम काल को आचार्य श्री संगीत के साथ महाआरती और संघ का समाधान किया गया। पंचकल्याणा महोत्सव के सभी पदाधिकारी और संकल जैन समाज मौजूद रहा। ग्वालियर में बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था द्वारा आज रंगपंचमी जी के अवसर पर पुनः मुबारक हो बेटी हुई है अभियान का शुभारंभ किया गया। ग्वालियर में बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था द्वारा आज रंगपंचमी के अवसर पर पुनः मुबारक हो बेटी हुई है अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर वंदना ने कहा कि जिन परिवारों के यहाँ बेटियाँ जन्म लेती हैं वह बहुत किस्मत वाले होते हैं। बेटियाँ दोनों परिवारों का ख्याल रखती हैं। संस्था विगत कई वर्षों से बेटी बचाओ अभियान के तहत कार्य कर रही है और घर घर जाकर उन परिवारों को मुबारक हो बेटी हुई है कहते हैं तो उनके चेहरे खिल जाते हैं। आज इस अभियान का शुभारंभ बाट चौदह के अमरकंठक इंक्लेव में रहने वाली श्रीमती सोनाली रोहित शर्मा के घर नन्ही परी ध्वनि ने जन्म लिया था, जिसका पूजन कर माला पहनाकर संस्था के माता पिता को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंजू बगे संध्या शर्मा तापसी ने भी इन्हीं परियों को रोरी चावल का टीका लगाकर कहा कि घर वालों को मुबारक हो बेटियां हुई हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में नगर निगम जल प्रदाय की भारी लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें जल प्रदाय टंकी के अंदर छोटे छोटे बच्चों के नहाने की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में नगर निगम जल प्रदाय की भारी लापरवाही सामने आई है, जिसमें जल प्रदाय टंकी के अंदर छोटे छोटे बच्चों के नहाने की तस्वीर भी सामने आ रही है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दरअसल यह जल प्रदाय ग्वालियर शहर में सरकारी मल्टी सागर ताल के पास स्थित है, जहां नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही किसी भी बड़ी घटना को अंजाम तक पहुंचा सकती है। मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के एक दिवसीय प्रवास पर रहे। घबरा से दतिया अपने निवास पर पहुंचे मिश्रा ने आमजन की समस्याओं को सुना एवं व्यापारी वर्ग दुकानदारों से जरूरी चर्चा की एवं कोविड-19 के समय को देखते हुए सभी वर्ग के लोगों को कोविड टीकाकरण की अपील की। दतिया के एक दिवसीय प्रवास पर रहे डबरा से दतिया अपने निवास पर पहुंचे मिश्रा ने आमजन की समस्याएं सुनी एवं व्यापारी वर्ग दुकानदारों से जरूरी चर्चा की एवं कोविड-19 के समय को देखते हुए सभी वर्ग के लोगों से कोविड टीकाकरण की अपील भी की। इसी के चलते गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा निर्धारित कार्यक्रम में शामिल हुए। बाईपास कमला गार्डन के मध्य प्रदेश पंचायत सचिव अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा एवं जिले के सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा होली सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सम्मिलित होने पहुंचे। मंच पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जोरदार स्वागत किया गया। गृह मंत्री के साथ भाजपा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच से गृह मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा, जिले के सभी ग्राम पंचायत के सचिवों को आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को पहचानते हैं, आपके अधिकारों को पहचानते हैं, आपके सम्मान को भी जानते हैं। इन सब का ख्याल रखना भारतीय जनता पार्टी सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार और नरोत्तम का फर्ज भी है, कर्तव्य है कि पूरी ताकत से आपके लिए आपके साथ हैं। जहां आपके अधिकारों के हितों की बात होगी, नरोत्तम सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर आपकी बात करेंगे। आपकी ताकत को भी पहचानते हैं, ये भी ध्यान रखें। आपकी समस्याओं को पहचानते हैं, ताकत को पहचानते हैं, कार्य को पहचानते हैं, व्यवहार को पहचानते हैं, अधिकार को पहचानते हैं और सम्मान को भी पहचानते हैं। इन सब चीजों का ख्याल रखना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्ज है, कर्तव्य है। शिवराज सिंह सरकार का फर्ज है, कर्तव्य है और नरोत्तम का भी फर्ज है और कर्तव्य है। आप चिंता नहीं करना, पूरी ताकत से शिद्दत से आपके लिए लड़ूंगा, आपके अधिकारों के लिए लड़ूंगा। जहां आपके हितों की बात होगी, नरोत्तम सबसे पहले आगे बढ़ के आपकी बात करेगा। सीआरपीएफ की 244 बटालियन की स्थापना 15 फरवरी 2019 को महानिर्देशक द्वारा, इस बटालियन को 1 जनवरी 2020 को बीआईपी सुरक्षा ड्यूटी दी गई थी तथा बटालियन मुख्यालय नीमच से ग्वालियर स्थानांतरित हुआ। सीआरपीएफ की 244 बटालियन की स्थापना 15 फरवरी 2019 को महानिर्देशक द्वारा, इस बटालियन को 1 जनवरी 2020 को बीआईपी सुरक्षा की ड्यूटी दी गई थी तथा बटालियन मुख्यालय नीमच से ग्वालियर स्थानांतरित हुआ था। वर्तमान में बटालियन देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात है। बटालियन द्वारा हर साल की तरह इस साल भी अपनी स्थापना की दूसरी वर्षगांठ पर पनियार स्थित सीआरपीएफ के कैंप में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इससे पहले वहां सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की अगुवाई में वृक्षारोपण भी किया गया। सीआरपीएफ के कमांडेंट वेद प्रकाश, अपनी पत्नी श्रीमती बंजू एवं अधिकारी और उनके पारिवारिक जन बड़ी संख्या में मौजूद थे। स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष सैनिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें हरिशंकर तिवारी द्वितीय कमान अधिकारी ने जवानों को इस अवसर पर महानिर्देशक, पुलिस महानिरीक्षक तथा कमांडेंट 244 बटालियन द्वारा प्रेषित शुभकामनाएं उपस्थित जवानों के समीक्ष दी। उन्होंने जवानों को 244 बटालियन की उन्नति एवं उपलब्धियों से अवगत भी कराया तथा बटालियन की उन्नति के लिए जवानों को और ज़्यादा मेहनत करने और प्रोत्साहित करने का भी वादा किया। 244 बटालियन की स्थापना दिवस के मौके पर शाम को बलवीर वॉलीबॉल मैच का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेता एवं उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि रजनीश अहलावत कमांडेंट ग्रुप केंद्र तथा अधिकारियों द्वारा शाम को तानसेन क्लब में दीप प्रज्वलित कर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर 244 बटालियनों के जवानों और उनके बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। ग्वालियर के मशहूर जादूगर मोहित शर्मा द्वारा अपने जादू की कला जवानों का मनोरंजन भी किया गया।
छे लाल हरे तिरे झंडों में हमारे छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। अभी गणेश वंदना का बाद नेक्स्ट वीडियो क्लिप है जो मूवीज का शुरू से लेकर आज तक का जो हम लोग एक्शन किया है से लेकर के आज तक वो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। अप्रैल 2018 को की गई तथा 15 फरवरी 2019 को बटागंज में कार्य करना से निमस सहयोग केंद्र में कार्य करना शुरू किया। वहां पर बटागंज ने सीमित साधनों में बहुत ही 2019 को विशेष सुरक्षा वाहिनी के रूप में घोषित किया गया। यह वाहिनी समूह केंद्र निमस से विस्थापित होकर दिनांक 20/1/2020 को समूह केंद्र ग्वालियर में स्थापित हुई। उसके बाद से वाहिनी वीआईपी सुरक्षा में देश के युद्ध जीत के आना हो बड़े सब के कदम है सैनिकों के सब ये कसम लहराए परचम युद्ध जीत के आना हो लल्ला सीआरपीएफ ये वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन है, पिछले एक साल से ये ग्वालियर में है और पूरे देश में वीआईपी सुरक्षा का जिम्मा ये उठा रही है और वर्तमान में अभी जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें भी हमारी टीम वीआईपी सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। आज हमारी बटालियन का दूसरा स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस को हम लोग यहाँ पर बड़े उल्लास से मना रहे हैं और उम्मीद है कि आगे आने वाले चुनौतियों को हमारी बटालियन पूरी तरह से कितने साल हो गया? अभी हमारी बटालियन को 2 साल हो चुके हैं। आज किस तरीके का कार्यक्रम रखे आपने? ये आज ही हमारी बटालियन का स्थापना दिवस है। आज ही हमारी बटालियन का 2 साल पहले आज ही के दिन 1 अप्रैल को इसको जो है स्थापित किया गया था नीमच में, नीमच मध्य प्रदेश में, और वहाँ से ट्रेनिंग के उपरांत ये बटालियन यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद ये वीआईपी सुरक्षा की जिम्मा उठा रही है पिछले 1 साल से। आज क्या क्या प्रोग्राम हुए आज? आज स्थापना दिवस में जैसे हमारे यहाँ की परंपरा है कि सबसे पहले हम लोग जो है सैनिक सम्मेलन का आयोजन करते हैं, उसके बाद में खेलकूद का आयोजन करते हैं। आज हमने एक विशेष तौर पर वृक्षारोपण का भी आयोजन किया जिसमें हमारे जो जवान हैं और अधिकारी हैं उनकी पत्नियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया कैंप के अंदर, और उसके बाद शाम को गेम हुआ और अभी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है जिसके अंदर सभी जवान अपना बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता संक्रमण और उसकी चेन को ब्रेक करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक कर रहे हैं, राज्यों के कलेक्टर और सीएमएचओ को आदेश दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जो असर कोरोना की रोकथाम को लेकर दिखना चाहिए वह दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता संक्रमण और उसकी चेन को ब्रेक करने के लिए लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक कर रहे हैं, राज्यों के कलेक्टर और सीएमएचओ को आदेश दे रहे हैं। बावजूद जो भी असर कोरोना की रोकथाम को लेकर दिखाना चाहिए वह दिखाई नहीं दे रहा है। अभी 3 दिन पहले ही ग्वालियर कमिश्नर आशीष सक्सेना ने कलेक्टर, निगम कमिश्नर, पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी बैठक कोरोना को लेकर की थी जिसमें जिले की सीमा पर चेक पोस्ट बनाने के आदेश दिए गए थे जिससे कोई भी दूसरे राज्य से आता है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, लेकिन उन चेक पोस्ट रियलिटी चेक करने निकले तो वहां केवल और केवल मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई की जा रही थी। हालत यह थी कि ना तो मौके पर पुलिस व जिला प्रशासन के अफसर मौजूद थे और ना ही डॉक्टर की टीम उन चेक पोस्ट पर मौजूद थी, केवल पुलिस के कांस्टेबल बिना मास्क लगाने वालों पर कार्रवाई कर रहे थे। काम बताने का दवा ले। अरे आप
अरे पत्रकार लोग, अरे कटवा लो, नाम बता दो। रसीद ले जाओ, रसीद। यहाँ विक्की फैक्ट्री तिराहे पर चेक पोस्ट लगाई गई है। बाहर से आने वाले लोगों के नाम मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही मास्क न लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, उनको समझाइश भी दी जा रही है। साथ ही मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो 45 प्लस से ऊपर के लोग हैं वो अपने अपने सेंटर पर जा कर के वैक्सीनेशन जरूर लगवाए। वो शुरू होने वाली है, CMHO साहब डॉक्टर भेज रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ये स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, दो पुलिस वाले हैं, बाकी और फोर्स आ रहा है। ग्वालियर में सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बड़ापुर क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां लोडिंग वाहन में जानवरों की तरह सवारी ठूसकर भर रखी थी। ओवरलोडिंग पर शहर के जागरूक नागरिकों ने लोडिंग वाहन चालक को रोककर पुलिस को सूचना दी। अब कहाँ जा रहे हो? तो भाई पैसे तो लेके जाते इनको कम से कम, भाई इंसान है ये लोग, आपने ऐसे भर रखे हैं। अरे भाई इनका अगर एक्सीडेंट हो जाता इस गाड़ी का तो पता कितनी 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 रिस्क पे जा रही है गाड़ी। डबरा से ग्वालियर अपने मायके में भाई का टीका करने आई एक महिला को घर में अकेला पाकर एक रिश्तेदार घर में जा घुसा और छेड़छाड़ करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो रिश्तेदार ने उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। डबरा से ग्वालियर अपने मायके में भाई का टीका करने आई एक महिला को घर में अकेला पाकर एक रिश्तेदार घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो रिश्तेदार ने उसे जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं महिला ने अपने परिजनों के साथ थाने में जाकर पहुंची और इसकी शिकायत पुलिस को की। वहीं पुलिस ने पीड़िता महिला की शिकायत पर दुष्कर्म करने वाले रिश्तेदार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा सर एक दूसरा मामला है, एक सिरोल में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला के साथ उसके ही एक संबंधी ने, सगे संबंधी ने दुष्कर्म किया है और इस पर 376 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जो उसका संबंधी है वो अभी नहीं मिला है, उसकी तलाश जारी है। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।